इंदौर में हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर 50 लाख से अधिक की ठगी करने वाले 4 आरोपी साइबर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। आरोपियों में एक नाइजीरियन भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में दिल्ली, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जगह पर हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर 50 लाख से अधिक की वारदात को स्वीकार किया है। दरअसल इंदौर की साइबर पुलिस को नेहरू नगर में रहने वाले एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कोरोना काल में अपनी आय बढ़ाने को लेकर एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें एक विशेष प्रकार का हर्बल ऑयल का व्यवसाय करने के लिए ऑफर दिया गया था। इसके बाद युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दिए गए मोबाइल नंबर पर बात कर आरोपियों द्वारा 1,50,000 रुपये लीटर हर्बल ऑयल में सौदा हुआ, जिसमें आरोपियों द्वारा युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अलग अलग बैंक के खातों में टोटल 24 लाख रुपए डलवा लिए गए। 24 लाख रुपए डालने के बाद भी आरोपियों की डिमांड और बढ़ती गई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शक हुआ कि यह ठगी की वारदात है, जिसके बाद इंजीनियर ने साइबर पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर पुलिस ने मुंबई के भयंदर इलाके में रोहित एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी खोली गई थी, जिसमें ठगी कर पैसा डाला गया था। वहीं बड़ी बात यह है कि ठगी करने वाला मास्टरमाइंड सोनू, जो कि वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसे इंदौर की साइबर पुलिस से प्रोडक्ट वारंट इशू कराकर गिरफ्तार कर रही है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को बताया कि मीरा रोड मुंबई का रहने वाला नाइजीरियन डोनसो और उसका एक साथी जगदीश रॉकी उर्फ विकास ने हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर ठगी की थी। वहीं आरोपियों द्वारा इंदौर के युवक के अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी करीब 50 लाख से अधिक रुपए की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। देखिए, 16 जून 2021 को नेहरू नगर इंदौर के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोरोना काल में अपनी आय बढ़ाने को लेकर उसको एक मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें एक विशेष प्रकार का हर्बल ऑयल जो है उसका व्यवसाय करने के लिए उसको एक ऑफ़र दिया गया, और बाद में फिर उसकी कुछ नंबरों से बात हुई। 1.5 लाख रुपए लीटर का वो ऑयल बताया गया और 30 लाख लीटर ऑयल का सौदे के नाम पर अलग अलग खातों में उससे लगभग 24 लाख रुपए जमा कराए गए। जब डिमांड और बढ़ती गई तब मुझे शक हुआ और उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत की गंभीरता से पड़ताल करते हुए इसमें अपराध दर्ज किया गया। अपराध दर्ज करने के बाद विवेचना में ये पाया गया कि मुंबई के भयंदर इलाके में एक रोहित एंटरप्राइजेज नाम की कतिपय कंपनी खोली गई थी और उसी के नाम से वो खाते खोले गए थे, जिसमें ये पैसा डाला गया था। और विवेचना करने पर यह पाया गया कि सोनू पिता वीर सिंह, ये व्यक्ति जो है इसने वहाँ पर किराया नामा दिया था और खोला था। सोनू के बारे में और पड़ताल करते पता चला कि वो वर्तमान में तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद है। उसका जो है प्रोडक्शन वारंट इशू कराया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई। और उससे पूछताछ में ये पता चला कि मीरा रोड मुंबई के रहने वाले एक नाइजीरियन युवक डोनसो, उसका एक साथी जगदीश, एक अन्य साथी रॉकी उर्फ विकास और सोनू, इन लोगों ने मिलकर ये जो हर्बल प्रोडक्ट है इसके नाम पर ये ठगी की थी। और सिर्फ इंदौर के युवक से ही नहीं, छत्तीसगढ़ के युवक से, दिल्ली के युवक से भी इन्होंने ठगी लगातार की थी। दिल्ली के एक प्रकरण में सोनू गिरफ्तार हुआ था और डोनसो और जगदीश छत्तीसगढ़ के प्रकरण में गिरफ्तार हुए थे। बाद में दिल्ली पुलिस भी इनको लेके गई थी और उसी प्रकरण में सोनू की गिरफ्तारी हुई है, जिसने पूछताछ में जुर्म स्वीकार किया है और अपने साथियों के बारे में बताया है। देखिए, जो अभी हमें मोटी मोटी जानकारी मिली है उसमें 17.5 लाख रुपए की ठगी इन्होंने छत्तीसगढ़ में की है, जिसमें साइबर सेल छत्तीसगढ़ में प्रकरण दर्ज है। 24 लाख की ठगी जो इंदौर में जो वारदात की गई उसमें की गई है, और इसी तरह की दिल्ली और अन्य जगहों पर इन्होंने वारदात की है, तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा की वारदातों की जानकारी तो अभी हमारे पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।